हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आलाप देवड़ा और आज हम सीखेंगे गिटार। गिटार एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो हम सभी लोग सीखना चाहते हैं और कभी न कभी कहीं ना कहीं हमारे मन में ये जरूर विचार आता है कि हमें भी गिटार आना चाहिए। मेरे पास ऐसे कई लोग आते हैं, कई लोग ऐसे मिलते हैं जो कहते हैं कि सर हमें गिटार सीखना था लेकिन हम नहीं सीख पाए, तो हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे गिटार सीखें। तो ये मौका आज आपको ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू मिला है, हमें इसे नहीं छोड़ना चाहिए। अब जानते हैं गिटार की बैठक के बारे में। देखिए, गिटार बजाने से पहले हमें ये जानना बेहद जरूरी है कि गिटार को पकड़ना कैसे है। तो गिटार को होल्ड करने के लिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो गिटार का कर्व है, इसको हमें हमारे थाई के बीच में रखना है। यहाँ से ये होल्ड होके यहाँ पर ये टिक जाएगा और दूसरे हाथ से हमें इसको होल्ड करना है और राइट हैंड में गिटार को बजाने के लिए हम एक छोटे से प्लास्टिक के टुकड़े का काम में को यूज़ में लेते हैं, जिसे हम स्ट्राइकर या पिक कहते हैं। इसको आप यों पकड़ सकते हैं, कुछ लोग यों पकड़ते हैं, तो जैसा कि आपको सहूलियत हो वैसा आप उसको होल्ड कर सकते हैं और इससे स्ट्राइक करके हम गिटार बजाते हैं। गिटार सीखने से पहले हमें गिटार के पार्ट्स के बारे में जानना बहुत जरूरी है, तो आइए जानते हैं गिटार के पार्ट्स के बारे में। गिटार के इस पोर्शन को बोलते हैं हेड। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, गिटार में 6 स्ट्रिंग्स होती हैं और उन 6 स्ट्रिंग्स को ट्यून करने के लिए इस गिटार में हेड में ट्यूनिंग कीज लगी हैं। इससे हम गिटार की ट्यूनिंग करते हैं और इसको सुर में ला के बजाते हैं। किसी भी चीज़ को यदि हम सुर में सुनते हैं तो हमें सुनने में बेहद अच्छा लगता है और सुंदर लगता है। हेड के बाद हम नेक्स्ट पोर्शन पर चलते हैं, इसको गिटार की नेक बोलते हैं। ये नेक है और तीसरा पार्ट जो कि आप लोगों को दिखाई दे रहा है, ये लकड़ी का बना एक खोखला हिस्सा है जिसे हम साउंड बॉक्स बोलते हैं। इस पोर्शन को जहाँ पर हमारी फिंगर्स मूव करती हैं, इनको कहते हैं फिंगर बोर्ड। नेक्स्ट चलते हैं तो आप देखेंगे कि बी पार्टीशन बने हैं, कुछ ब्लॉक बने दिखाई देते हैं, इनको बच्चों बोलते हैं फ्रेट्स। ये जो फर्स्ट पार्ट है, ये फर्स्ट फ्रेट हो गया, ये सेकंड फ्रेट हो गया, ये थर्ड फ्रेट है, ये फोर्थ फ्रेट है, ऐसे करके इसमें फ्रेट्स होती है। नॉर्मली गिटार्स पे 22 से लेकर 24 फ्रेट्स होती हैं और उसके ऊपर आप देख रहे होंगे कि बीच बीच में कुछ वाइट और कुछ गिटार ब्लैक कलर के कुछ मार्क्स होते हैं, तो इनको बोलते हैं पोजिशन मार्क। और आपकी सहूलियत के लिए गिटार के अपर साइड में, फिंगर बोर्ड के अपर साइड में, यहाँ पर आप देखेंगे तो ये जहाँ पर पोजीशन मार्क आपको यहाँ सामने नज़र आ रहे हैं, ये है ऊपर भी नज़र आते हैं, छोटे छोटे डॉट्स हैं। ये फर्स्ट फ्रेट को छोड़ के, सेकंड फ्रेट को छोड़ के, थर्ड फ्रेट पे, फिफ्थ पे और सेवन्थ पे, और ऐसे करके ये है। तो ये पोजीशन मार्क्स हैं और फ्रेट्स मैंने आपको बताया है। गिटार में 6 स्ट्रिंग्स होती है। गिटार को जब हम बजाते हैं तो साउंड प्रोड्यूस होता है वाइब्रेशन के थ्रू और पूरे साउंड बॉक्स में वो इको होके, गूंज होके इस साउंड बोल के थ्रू आवाज़ बाहर आती है। यदि हम टाइप्स ऑफ गिटार की बात करें तो गिटार को दो भागों में बांटा जा सकता है, पहला हवाइन गिटार और दूसरा स्पेनिश गिटार। हवाइन गिटार को ऐसे गोदी में रखकर लेटा कर बजाया जाता है और स्पेनिश गिटार को थाई पर ऐसे रख के बजाया जाता है, या कुछ लोग स्टैंडिंग पोजीशन में गले में हैंग करके भी बजाते हैं। और साइज़ की बात करें तो जम्बो साइज़ जो थोड़ा और बड़ा होता है, मीडियम साइज़ जो कि ये है, और तीसरा स्मॉल साइज़ का गिटार होता है। गिटार सीखने के लिए बेहद ज़रूरी है प्रैक्टिस करना। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि किसी भी इंस्ट्रूमेंट को सीखने में या किसी भी चीज़ को सीखने के लिए हम लोगों को उसको सीखने के बाद उसकी प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है।
संगीत में कहा जाता है कि यदि हम एक दिन भी प्रैक्टिस छोड़ते हैं तो हम 7 दिन पीछे चले जाते हैं। इसलिए चाहे गिटार हो चाहे गाना हो, हम लोगों को डेली प्रैक्टिस करनी है। गिटार की ट्यूनिंग के बारे में मैं आने वाले वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि गिटार कैसे ट्यून किया जाता है। स्पेनिश गिटार की वैरायटी की बात करें तो हमें देखने को मिलता है इलेक्ट्रिक गिटार, सेमी इलेक्ट्रिक गिटार और तीसरा एकॉस्टिक गिटार, जो कि आप लोगों के सामने मेरे हाथों में है। बजाने का तीनों का तरीका लगभग सेम होता है, क्योंकि इलेक्ट्रिक गिटार एम्पलीफायर से अटैच करके एम्पलीफाई करके बजाया जाता है। अकोस्टिक गिटार को सेमी इलेक्ट्रिक गिटार जो होता है उसको हम इलेक्ट्रीफाई भी कर सकते हैं। उसमें ऑप्शन होता है, पिकअप लगा होता है, जिसके थ्रू हम उसको इलेक्ट्रीफाई करके उसको आवाज़ को बड़े स्पीकर या बड़े लेवल पर सुन सकते हैं। और जो अकोस्टिक गिटार हैं जो आप लोगों के सामने हैं, आइए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि गिटार को सीखने के लिए इसकी पहली एक्सरसाइज क्या है। ये हम देख रहे हैं कि गिटार की 6 स्ट्रिंग के बीच में थोड़ा थोड़ा सा गैप है, तो गिटार की स्ट्रिंग्स के साथ कोऑर्डिनेट करने के लिए हमें जो पहली एक्सरसाइज करनी है वो कुछ इस प्रकार है। हमें गिटार को होल्ड करना है और किसी स्ट्रिंग्स को भी हम पुश नहीं कर रहे हैं, प्रेस नहीं कर रहे हैं। सबसे पहले हम फर्स्ट स्ट्रिंग डाउन से शुरू होगी, जिसको हम प्लग करेंगे। देन सेकंड गिटार, थर्ड स्ट्रिंग, फोर्थ स्ट्रिंग, फिफ्थ स्ट्रिंग और सिक्स्थ स्ट्रिंग। ये फर्स्ट एक्सरसाइज है आपकी, जिसमें आपको डाउन टू अप एक एक स्ट्रिंग पे प्लग करना है। और ये बेहद ज़रूरी है, क्योंकि ये जो गिटार के स्ट्रिंग्स हैं उनके साथ हमको कोऑर्डिनेट करना ज़रूरी है, क्योंकि कभी हमें फिफ्थ स्ट्रिंग बजानी है तो कभी सेकंड स्ट्रिंग बजानी है, कभी फर्स्ट कभी थर्ड। तो उसके लिए हम बार बार देखना और बाद में हम लोग कुछ जैसे जैसे हम गिटार आगे सीखेंगे तो ये थोड़ा और लगता है और बजाने में भी कम्फर्टेबल नहीं रहेगा। इसलिए सबसे पहली एक्सरसाइज यही है कि आप लोग एक एक स्ट्रिंग को प्लग करना करें। फिर से देखिए, ये फर्स्ट एक्सरसाइज हुई। और दूसरी एक्सरसाइज हुई जिसमें हम ऊपर से नीचे तक जो स्ट्रिंग्स हैं उनको छेड़ेंगे। सिक्स, फिफ्थ, फोर्थ, थर्ड, सेकंड एंड फर्स्ट। फिर से देखिए, इस एक्सरसाइज के बाद हम नेक्स्ट स्टेज पर पहुंचते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज ये रहेगी कि हम लोगों को फर्स्ट स्ट्रिंग प्लग करना है राइट हैंड से और लेफ्ट हैंड से फर्स्ट फ्रेट पर फर्स्ट फिंगर को रखना है। ये ओपन है, फिर सेकंड फिंगर को सेकंड फ्रेट पे, थर्ड फ्रेट पे थर्ड फिंगर, फिर नेक्स्ट, ऐसा ही आगे कंटिन्यू करेंगे। जब हम पहली बार गिटार लेते हैं तो और बजाने की कोशिश करते हैं तो जब हम अंगुली प्रेस कर रहे होते हैं तो साउंड प्रॉपर नहीं आता है। मैं अपने गिटार के सफ़र के बारे में बताना चाहूँगा कि जब मेरी खुद की हाइट गिटार जितनी नहीं थी तब से मैं गिटार बजा रहा हूँ और तब से गिटार में मेरे पिताजी से सीख रहा हूँ। इसके लिए आप लोगों को मेरा टिप्स ये है कि आप इस फ्रेट के बीच में अंगुली की टिप से बजाएं। देखिए यहाँ से बजाना होता है, ये यहाँ से
कई लोग कहते हैं कि गिटार बजाने से हमारी उंगलियां कट जाएंगी, हमारी उंगलियां छोटी हैं या हमारी उंगलियां बड़ी हैं और हम गिटार नहीं सीख सकते। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि ऐसा कुछ नहीं है। मेरी उंगलियां आप देख सकते हैं बिल्कुल परफेक्ट है, इसमें कोई किसी तरह की कट या ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, प्रैक्टिस करते हैं तो थोड़ा सा दर्द जरूर होता है, लेकिन ये पेन इतना भी नहीं है कि आप इसको छोड़ दें कि हमें गिटार नहीं बजा सकते। तो मैं आपको बता रहा था कि स्ट्रिंग को अच्छे से बजाने के लिए फ्रेट के बीच से बजाएं, आप फ्रेट के ऊपर नहीं रखें, अदरवाइज साउंड ऐसा आएगा और इसको हल्के से प्रेस करेंगे तो साउंड ऐसा वाइब्रेट करता हुआ आएगा जो प्रॉपर नहीं है। तो इसको अच्छे से बजाने के लिए हमें टिप से फ्रेट के बीच में रखकर फिंगर को बजाना है इस तरह से। जब फर्स्ट स्ट्रिंग की एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाए तो सेकंड एक्सरसाइज ये रहेगी कि आपको सेकंड स्ट्रिंग पे यही सेम फिंगर स्टेप फॉलो करना है। नेक्स्ट थर्ड स्ट्रिंग पे सहूलियत रहती है यदि आपका थंब ऊपर रहता है तो। तो आज हमने सीखा गिटार की सबसे पहली सीढ़ी, कुछ एक्सरसाइज मैंने आपको बताई। अगले वीडियो में इसके आगे हम स्केल सीखेंगे। थैंक यू।